ये दोस्तों जो मेरा हेड है उसे हम फाइनली टाइट करके और इसके अंदर जो लैच लगाना था वो लैच को हम लगा दिए हैं। सभी लैच को लेचे को फिटिंग कर दिए हैं। इसमें लैच को देख लीजिए आप। और उसके बाद दोस्तों अब हम जो केम है वो हमारा हेड के ऊपर रख दिए हैं। अब दोस्तों इसके आगे जो हमारा है वो टाइमिंग का प्रोग्रेसेस चलने वाला है। अब दोस्तों इसमें आपको बता देते हैं कि जब भी हम केम को रखेंगे तो हमें केम को टाइमिंग कैसे करना है कि हम इंजन को पूरा इंजन और क्रेन को टाइमिंग को फिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं, जब भी आप केम को फिटिंग कीजिएगा तो यहीं पे देख लीजिए मैं केम को कैसे लॉक किया हूँ, ताकि जो मेरा दोनों केम है वो बिल्कुल आसानी से लॉक हो जाए। तो चलिए यहाँ आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो मेरा केम है, केम को रखते समय हम यहीं पर इसे लॉक कर देंगे, ताकि आप देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए आप, जो मेरा नीचे वाला पर्सन है, यहाँ भी आप देख लीजिए, नीचे वाला जो पर्सन है वो थोड़ा ज़्यादा है और ऊपर का पर्सन है वो थोड़ा कम है। इस केम के भी अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी आप देख लीजिए, जो नीचे वाला जो है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा है और ऊपर वाला कम है। तो दोस्तों इसमें हमारे को एक कट दिखाई देगा। यहाँ भी आप देख लीजिए, जो मेरा कट है इसे हम बिल्कुल ऐसे लॉक किए हुए हैं, दोनों केम के अंदर लॉक किए हुए हैं। अभी हम अपना टूल्स वगैरह लगा के यहाँ देख लीजिए, 13 नंबर का जो मेरा साइज़ है इसे लगा के और इसे लॉक किए हुए हैं। यहाँ आप देख लीजिए, ये कट दिख रहा है आपको, दोनों केम के अंदर कट दिखेगा। यहाँ देख लीजिए, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ देख लीजिए आप, जो नीचे वाला पर्सन है वो थोड़ा ज़्यादा है और ऊपर वाला जो है वो थोड़ा कम है। तो इसमें दोस्तों हम इस टूल को लगा के ऐसे और इस केम को लॉक कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, जो हमारा टूल्स है बिल्कुल इसके अंदर फिटिंग हो गया। अब दोस्तों हम ऊपर से टाइफिट कवर को टाइट करेंगे, ये बिल्कुल इसके ऊपर बैठ जाएगा। एक केम को हम यहाँ लॉक कर दिए हैं, दूसरा केम को हम इस टूल से लॉक कर दिए हैं। देख लीजिए, जो हमारा दोनों केम है वो बिल्कुल लॉक हो चुका है। दोस्तों आपको यहीं पे रखना है और एक जो ये वाला दिख रहा है, जो केम सेंसर जो हमारा है इससे यहीं से मैचिंग करता है, तो ये हमारा ऊपर के पोजिशन में आया हुआ है और यहीं पर कर रख के हमें यहीं पर रखना है केम को। और आगे का जो है, चलिए आपको दिखाते हैं क्रेंक को कैसे लॉक करना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये आ गए हम यहाँ पे क्रेंक के पास। ये मेरा क्रेंक हो गया और इसको हम यहाँ से लॉक किए हुए हैं। यहाँ आप देख लीजिए, चैम्बर के पास जब जाइएगा तो एक आपको छोटा सा नट दिखाई देगा 4 पहल के उसमें, और उसको हम खोल लेंगे। और उसके पास यहाँ देख लीजिए आप, मैं टूल्स बनवाया हुआ हूँ खरादिया के पास से, इससे हम इस सुराख के अंदर लगाएंगे और क्रेंक को घुमाएंगे तो जो मेरा क्रेंक है वो बिल्कुल लॉक हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, इसे घुमा रहे हैं तो बिल्कुल जो मेरा है लॉक हो चुका है, थोड़ा सा भी नहीं घूम रहा है। और दोस्तों यहाँ से जब हम क्रेंक को लॉक कर देंगे तो जो हमारा क्रेंक है वो बिल्कुल इधर उधर नहीं घूम पाएगा। और साथ में आपको बता देते हैं, तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ कि क्रेंक कैसे लॉक किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो मेरा पुली है, ये हाई प्रेशर पंप का है, इससे हम लॉक कर इसे भी लॉक करना पड़ता है। तो दोस्तों क्रेंक जो हमारा है उसको वहाँ से घुमा के और यहाँ से लॉक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस पुली को हमें निकाल लेंगे, पुली पहले फिटिंग नहीं करेंगे, पहले क्रेंक को लॉक कर देंगे। उसके बाद ये हमारा है हाई प्रेशर पंप को घुमाएंगे और इसको यहाँ से, यह सुराख जो आपको दिख रहा है इससे हम इसे ऑलरेडी लॉक कर दिए हैं, इसे घुमा के लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद ये जो पुली है इसके अंदर हम बैठा देंगे। इसके अंदर जब बैठाएंगे तो यहाँ पे जो दोनों है मैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे तो जो हमारा है हाई प्रेशर का पंप है वो उसका टाइमिंग गड़बड़ नहीं होगा दोस्तों। उसका टाइमिंग जब इस पुली को हम लगा देंगे गियर को, तो जो हमारा है उसका टाइमिंग कभी गड़बड़ नहीं होगा। उसके बाद हम इस क्रेंक को एक ही टूल से लॉक कर देते हैं दोस्तों। पहले हम क्रेंक को लॉक करके और फिर इसे घुमा के और इसे को लॉक कर देते हैं, इसी टूल को निकाल के इसे लॉक कर देते हैं। और इसे लॉक करने के बाद फिर जो हमारा है गियर को डाल देते हैं। क्रेंक तो हमारा स्थायी हो जाता है, उसके बाद गियर को हम लगा देते हैं और फिर दोनों में निकाल निकाल के चेक करके देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, मेरा ऑलरेडी बिल्कुल लॉक हो चुका है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए उसे भी दिखा देते हैं। अब उसके बाद चलिए इसे भी लॉक करके आपको दिखा देते हैं। ये भी देख लीजिए, ये भी मेरा बिल्कुल लॉक हो चुका है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों को लॉक करने के बाद अब जो हमारा है आगे टाइमिंग चैन को कैसे चढ़ाना है, उस चीज़ के बारे में मैं आप सबको दिखाता हूँ। अब दोस्तों हमारा जो केम है उसको आप देख ही लिए हैं कहाँ से लॉक करना है, पीछे से लॉक कर देना है इसको, तो बता दिया हूँ। अब चलिए जो हमारा टाइमिंग चैन है उसको कैसे फिटिंग करना है वो चीज़ आपको दिखाते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, ये मेरा है भैया चैन गाइड हो गया। पहले हम चैन गाइड को इसके अंदर फिटिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये मेरा चैन गाइड को इसको हम फिटिंग कर दिए हैं। उसके बाद चलिए अब चैन को चढ़ाते हैं।
कैमरा चैन हो गया, चैन को हम कैसे चलाते हैं वो चीज आपको दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए मेरा चैन है बिल्कुल चढ़ गया, और पीछे से आपको टूथ वगैरह लगाए हुए हैं वो चीज भी आपको दिखा देंगे। चैन को चढ़ा देने के बाद अभी जो मेरा दूसरा वाला गाइड है दोस्तों, इसको हम फिटिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद इस गाइड को हम लगा लेंगे। देख लीजिए चैन गाइड को हम लगा दिए हैं, इस साइड से फिटिंग कर दिए हैं, और दूसरा जो एडजस्टर वाला है इसे भी लगा दिए हैं। अब दोस्तों एडजस्टर टाइट करने से पहले यहाँ पे केम के ऊपर हम टैपिंग कवर को टाइट नहीं किए हुए हैं, इसलिए हमें केम को ऐसे दबा के रखना है। चलो भाई यहाँ आओ, यहाँ पे देख लीजिए केम को हम दबा दिए हैं क्योंकि टैपिंग कवर जो हमारा है उसे हम टाइट नहीं किए हैं। और उसके बाद यहाँ आप देख लीजिए ये हमारा एडजस्टर है, इसे हम लॉक करके रखे हुए हैं। पहले हम इसके अंदर फिटिंग कर देते हैं, फिर जो हमारा है यहाँ पे आप देख लीजिए जो मेरा एडजस्टर है इसे बिल्कुल फिटिंग कर दिए हैं। अब इसको लॉक करके रखे हैं, इसे हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये बिल्कुल चैन गाइड बिल्कुल मेरा जो है टाइट हो चुका है, उसको दबाए रखिए भाई। यहाँ देख लीजिए जो मेरा एडजस्टर है बिल्कुल सही है, अभी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। चैन भी कोई खासकर ज़्यादा लमरा हुआ नहीं है, क्योंकि चैन भी लमर जाता है तो दिक्कत होने लगता है। यहाँ देख लीजिए आप बिल्कुल थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लीजिए दोनों तरफ से मेरा जो गाइड है बिल्कुल टाइट हो चुका है, चैन भी मेरा जो है बिल्कुल स्मूथ। चलिए अब आगे का प्रोसेस जो है टैपिट कवर को, तो चलिए देखिए दोस्तों जो हमारा टैपिट कवर है उसे बिल्कुल फाइनली टाइट कर लिए हैं। टाइट करने के बाद यहाँ आप देख लीजिए मेरा चैन जो है बिल्कुल टाइमिंग चैन चढ़ा हुआ है, यहाँ क्रैंक शाफ्ट भी लॉक है, इसे अभी हम निकाले नहीं हैं। चलिए पीछे की तरफ आपको दिखा देते हैं, यहाँ इस साइड से आप देख लीजिए यहाँ जो मेरा है जिस केम को हम लॉक किए हुए थे यहाँ भी आप देख लीजिए जो मेरा कट है वो भी बिल्कुल बराबर में है, अभी घुमा हुआ नहीं है। यहाँ देख लीजिए का फेस है बिल्कुल इनके बराबर में है। चलिए अब दोस्तों टाइमिंग को, चलिए देखिए दोस्तों अब हम टाइमिंग चैन को लॉक को छुड़ाएंगे, और लॉक छुड़ाने के बाद हमारा जो इंजन है उसे घुमा के और देखेंगे जो हमारा टाइमिंग है वो रॉन्ग तो नहीं हुआ है। तो चलिए अब इंजन को घुमाते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो भाई घुमाओ 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 एक राउंड घुमा के। दोस्तों जब भी आप किसी भी गाड़ी को टाइमिंग कीजिएगा, टाइमिंग जो है अगर रॉन्ग होगा हल होता है वो पिस्टन के ऊपर भिड़ जाओ, और घुमाओ और घुमाओ पूरा टाइमिंग है बिल्कुल ओके है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम दो तीन राउंड घुमा के देख लिए हैं किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर टाइमिंग आउट हो जाएगा तो इंजन जो हमारा है जाम हो जाता। तो चलिए दोस्तों इससे आगे का प्रोसेस है, हमारा जो टाइमिंग प्लेट है उसे हम फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद दोस्तों फिर जो आगे का और भी काम है उसे फाइनल करके और इंजन हम चढ़ाएंगे और गाड़ी स्टार्ट करके आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों तब तक आप मेरे वीडियो पे जुड़े रहिए। मेरा जो टैपिट कवर है उसे बिल्कुल हम फाइनली टाइट कर लिए हैं। चलिए अब आगे का प्रोसेसेस है, टाइमिंग में बिल्कुल करके फाइनल कर लिए हैं। अब आगे का प्रोसेसेस है मेरा टाइमिंग प्लेट को फिटिंग करना, तो यहाँ भी आपको दिखा देते हैं। मैं टाइमिंग प्लेट को बिल्कुल धो धा के और क्लीन कर दिया हूँ, और दोस्तों साथ में आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं जो मेरा ऑयल प्रेशर का है गियर, इसे हम ऑयल प्रेशर को खोल के और बिल्कुल सफाई किए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इंजन को जब भी ओवरऑल करनी चाहिए तो उस समय ऑयल प्रेशर को चेक कर लेना चाहिए कि जो हमारा ऑयल प्रेशर है ऑयल उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, नहीं तो दोस्तों सारे चीज़ नुकसान हो जाएगा। चलिए अब इसे हम बेल खोल के और बिल्कुल सफाई कर लिए हैं, अब इसे फिटिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। वैसे आप देख लीजिए मेरा गियर जो है इसमें हम इसको बैठा देते हैं। दोस्तों मैं आप सबको दिखाया था महिंद्रा मैक्सिमो का फुल इंजन का ओवरहॉल करते समय, उस इंजन को हम बिल्कुल फाइनल कर लिए हैं, फाइनल करने के बाद गाड़ी के ऊपर फिटिंग भी कर दिए हैं। चलिए दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उसका आवाज़ चेक करते हैं कि आवाज़ का क्या परिस्थिति है, साउंड कैसा है उसका, स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए यहाँ आपको दिखा देते हैं अभी जो मेरा गाड़ी है स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर देख लीजिए, और इसका जो आवाज़ है बहुत ही स्मूथ हो गया है दोस्तों।